सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज ना बाहर तो बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, तो पंकज के पापा जी और जो संत रामा आए रहते हमारे घर में ना, वो काम कर रहे थे हल्दी का, फ्रास भी ने निकाल दिए, मूली भी निकाल दिए और धनिया भी निकाल दिया। तो लोग अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ क्योंकि अभी मुझे थोड़ा बहुत काम करना था, तो सिर्फ इनको कर लूँगी कैरी बैग में पैक। इसके ना दो दो हिस्से करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं आएंगी ये बैग में, ठीक है। तो थोड़ा सा सामान मैं एडजस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं जो भी ब्लॉग रहेगा। थोड़ी सी बात मुझे आपके साथ और भी शेयर करनी है ना, पर बाहर से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, बाहर शांत हो थोड़ा सा, तो इस मूली को मैं पहले काट लेती हूँ, ठीक है। इसकी दो दो हिस्से करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं जाएगी। एक फ़ोटो ले लेती हूँ पहले थंबनेल में डालने के लिए। चलो हो गया, और ये मूली है ना ठीक है, मतलब खराब नहीं हुई है सब। तो से कर लें जल्दी जल्दी, धो बने रखा है इनको ना, अब धोएंगे भी पारी, क्योंकि सुबह सुबह अकेले है घर पर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, ये भी कर लो वो भी कर लो, और ऐसे भी अगर इधर उधर जाना हो ना तो काम तब ज़्यादा काम दिखते हैं। ऐसे चाहे एक आधा काम कम भी होगा ना तब भी कुछ नहीं, पर अगर कहीं जाना हो तब ज़्यादा काम करने पड़ते हैं, दिखते हैं तब ज़्यादा करने तो रोज ही पड़ते हैं। ये पता नहीं मेरे साथ होता है कि सबके साथ होता है, फिर जाना होना तो एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं। भगवान इतने ना बहुत बहुत जॉब है। अच्छा ये तो चलो हो गया, और इस बीन को डालूंगी मैं इसमें, ठीक है। तो आज मैं कहीं खास जगह जा रही हूँ, ठीक है, और खास जगह जाने के लिए खास पैकिंग, और जी धनिया डालूंगी मैं इसमें, ये अपने घर का धनिया, इतनी अच्छी खुशबू है ना इसकी कि पूछो मत। है तो ये काटने वाला, पर ऐसा लग रहा काटने वाला जैसे घर का धनिया होता है ना, वैसी खुशबू है इसे। तो चलो जो अपने खेत की फसल थी ना, वो ऐसे बांटनी चाहिए, तो बांटी की खास खास जगह जाती है, हर जगह नहीं, ठीक है। तो ये हो गए बीन, धनिया, मूली, और क्या बचा होगा, अब और क्या बचा। अच्छा ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि पिछली बार भी मैं भूल गई थी जब पंकज के पापा जी गए थे बिलासपुर में, बुलाया था उनको बिलासपुर में, कुछ काम था, तो तब भी मैंने इसको भेजना था, तब मैं भूल गई थी। अब इस बार मैं सामने रखूँगी इसको, क्योंकि हर बार भूल जाती है, और कई लोगों को ने जज कर लिया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, है ना। तो बस ये थी यहाँ की पैकिंग, और आज मैंने सब्जी भी थोड़ी सी भिंडी और थोड़े से आलू और थोड़ी सी बीन बना रखी है, और ये आए हैं सुबह सुबह, मैंने ना सारी बीन निकाल दी थी तो 70 रुपये आ गए मुझे एक किलो बीन के, 80 रुपये किलो है दुकान में, पर हम 70 रुपये किलो दे रहे हैं। तो ये रहे बीन के 70 रुपये, चलो किराया हो जाएगा, किराया तो नहीं होगा, चलो थोड़ा बहुत जो भी है। और ये है खास चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है ना, एक दिन ना लड्डू गोपाल का स्नान कर रही थी मैं, और जो लड्डू गोपाल के कुंडल होते ना वो थे, हमने ऐसे रेडीमेड लगा रखे थे, तो निकल गए मतलब कान से। तो उसी दिन मैंने सोचा कि मैंने लड्डू गोपाल के लिए ना सोने की छोटी छोटी ऐसे लाने कुंडल, तो वो ला रखे मैंने, बताना भी कैसे है ना, ले तो मैं आई ना प्रभु पता नहीं कैसे, चलो इस तरह से बताती हूँ, ये कुछ इस तरह से लाई मैं, पर पता नहीं अब ठीक है कि नहीं ठीक है ना। तो वो अपना अपना सजेशन ना सभी ने देना, दिख भी रहे हैं कि नहीं दिख रहे, चलो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। छोटे से लड्डू गोपाल है हमारे, उसके लिए मैं छोटे छोटे से ऐसे ले आई, जाना मुझे ठीक है कि नहीं थे, अभी मैंने पहनाने रखे, पहनाऊंगी ना मैं देखती हूँ सोमवार या मंगलवार को, ये देखो। तो बताना मुझे अच्छे कि मैं इसको ना चेंज करके और लाऊं, जरूर बताना, पर ये वाली बात तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अपना सजेशन ना सभी ने दे देना, ये देखो।
तो थोड़ा बहुत काम समेटने समेत पे 12 बजे का टाइम हो गया। काउ शेड में मुझे पंखे चालू करने हैं, बैग मेरा बिल्कुल रेडी है ना। तो चलो, तो टाइम ना 12 बजने वाले है और मैं लगा रहती हूँ यहाँ से पंखे और अब मैं भी जा रही हूँ क्योंकि 12:15 बजे जा रही हूँ मेरी बस। तो पशुओं के पास लगा देती हूँ पंखे और बाकी जो भी काम रहेगा पंखे के बाद पड़ी जाएगी। ठीक है, से लग गए पंखे और अब मेरा सामान ना छोड़ देंगे अगर पीछे ना, तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। चलो पूछती हूँ भला क्या बोलते हैं, काम कर रहे हैं, ऊपर से इतनी ज़्यादा धूप पड़ी हुई है ना। चलो कोशिश करते हैं, अगर पहुँचाएँगे ना तो पहुँचा देंगे, क्या करिए। तो चलो, तो बस का पूरा पूरा टाइम हो गया है और पंकज के पापा जी चल पड़े मुझे नीचे छोड़ने के लिए क्योंकि ऊपर से धूप भी थी और मैं टाइमली पहुंच भी जाऊंगी। तो चलो है ना, तो जिस बस में मुझे जाना था ना वो बस आज आई नहीं है और आज मैं पहली बार बैठी हूँ इस शॉप पे और ये शॉप जो है ये है कपड़े की। तो चलो, यहाँ पे कुछ राजनीति की बातें लगी हुई है, उनको सुनते हैं भला क्या बोलते हैं राजनीति के बारे में लोग। ठीक है, तो बेटा बोल पहले वोट किस से देना बस। दूसरा ये पंजाबी इधरिया हम पार्टी में पंजाब हो जाए हां, तो वोट दे तीन देना कि उन जान देने कांग्रेस से जाऊं हां, जो 1500 रुपए ने पाया था तेरी बार भी उन्हें सुख पूरी करने सीएसएल नहीं होता। और सारी महिला तो 1500 रट कुरिया, जब 1500 रुपये देते तो सुख हो बारे भी आने और तेना सुख हो सपोर्ट करने तेना बारे भी करने। मैंने मैंने फर्स्ट में जो मांग गवर्नमेंट रखती है ना सेंटर से वो सारे लागू होती है, लगना पता था अब क्या होना था। चलाई ना तो ये कांग्रेस की चलाई हुई है। अच्छा, बीजेपी का नाम बोल रहा बस में जा रही हूँ आज मैं ना, काफ़ी टाइम बैठी दुकान के पास, एक बस ना आने की वजह से ना मुझे 2.5-3 घंटे बैठना पड़ा यहाँ पे और अब मैं बस में बैठ गई हूँ और ये सरकारी बस है और ये मेरी होकर जाएगी और दुखाल उतरना है मुझे इस बस से, वहाँ से अगली बस लेनी है और कुछ सवारियाँ बैठी है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होती है बस चलना मतलब और बिलासपुर के लिए। ये रहा मेरा टिकट जहाँ से मैं बैठी हूँ वहाँ से सीधा जुखाड़ा के लिए 2300 रुपये। ठीक है, और अब दिख रहा है साफ साफ दिख नहीं रहा क्योंकि चलती बस में अगर वीडियो बनाओ ना तो बिल्कुल साफ साफ जैसी नहीं आती। और अच्छा, अरे बस से निकल गया 7 बजे आओ, बस आई थोड़ी लेट। अच्छा, पर बाबू रहे ना इतने सुबह का। अच्छा अच्छा, बच्चे देखो इनके सेलिब्रेशन में खाना उतर रहे थे ना। अच्छा, जूस पीने उतर रहे थे, क्या लगे ऐसे कर रहे थे तो लगी जी रहा बस सारा ताकत है ना अपने आप ही रुड़ा मतलब। अच्छा, तो कितने बजे निकलूंगी? 5 बजे। 4 बजे अब 5 मिनट। चलो जी, तो यहाँ से बस निकल गई है और थोड़ा 10-15 मिनट का फर्क पड़ा तो बस गई। 7 बजे क्या मिलेगा, इतना पूरा दिन लग गया। 12 बजे से निकल रहा हूँ घर से, पूरा दिन लग गया मुझे रास्ते में। ऐसा होता कभी कभी अगर कोई भी घर जाए तो ठीक है, नहीं तो 7 बजे बस में जाए। मैं पहुंच गई हूँ अपने मायके में और सबसे पहले मेरे को ना मैकू मिली यहाँ पे और कब मेरे को पानी लाने के लिए गई। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी क्योंकि मैं सुबह ना 12 बजे से चली हूँ घर से और अब ना 7:30 हो गए। ये भगवान पता नहीं कैसे कैसे पहुँची मैं, पर चलो पहुँच गई। मतलब काबू मेरे को ना पानी लेके आ गई। थैंक यू वेलकम है बच्चू। इस तरफ आओ, काबू ले आई मेरे को पानी। अब काबू ना बड़ी होगी है ना, सबके आदर खातर करती है, करती है ना। हाँ, चलो सबको टाटा कर दो, बाय बाय।